इसके पश्चात मैं वात्सल्य तुलसीधरन जी को आमंत्रित करूंगी, जो यहाँ पर हरि कथा का गान करेगी। स्वागत है आपका वात्सल्य तुलसीधरन जी। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा। ओ विठ्ठले भक्त जन वत्सले हरि भक्त जन वत्सले करुणा कलो करुणा कलो ले पांडुरंगे पांडुरंगे भक्तजन वत्सले हरि भक्तजन वत्सले। हे ओ विठ्ठले भक्तजन वत्सले हरि भक्त जन वत्सले। सजल जल धर पीताम्बर परिधान सजल जल धर पीताम्बर परिधान सजल जल धर पीताम्बर परिधान उद्धरने केशिराजे भक्त जन वत्सले हरि भक्त जन वत्सले। Mama
परम कृपा के कारण, सद्गुरुनाथ के कृपा के कारण हम सब श्री बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ के सारांश को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यह बृहद भागवतामृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को श्रील सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को भगवत भक्ति से जुड़े हुए सभी शास्त्रों का सार माना जाता है। इसीलिए भगवत भक्ति शास्त्रानामयं सारस्य संग्रहः अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत् प्रियरूपतः, इसे कहा गया है। यही सर्व शास्त्रों का सार बताया गया है, इसी को संग्रह माना गया है। इस ग्रंथ में जैमिनी ऋषि जनमेजय को एक कथा सुनाते हैं। इसमें भारत के आख्यान जो है उसको बताया गया है और जनमेजय बताते हैं कि हे जी, हे जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि के द्वारा जो महाभारत मैंने सुना था उसमें भी ये रस नहीं है जो आप अब बता रहे हैं, इसलिए इसके अंतिम भाग को भी मुझे बता दीजिए, ऐसे उनकी प्रार्थना है। इसलिए जैमिनी ऋषि बताने के लिए शुरू करते हैं। इसमें तो एक कथा के अंदर एक कथा होता है। क्या होता है कि परीक्षित महाराजा के लिए कुछ ही समय बाकी है, उन्हें तो दक्षक नामक एक सर्प आकर काटने वाला है। इसीलिए ही वो सात दिन भागवत की कथा को सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं। पर अभी कुछ समय बचा हुआ है, तब उस समय पर उनके माता उत्तरा देवी आकर उनसे प्रार्थना करती है कि हे पुत्र, तुमने भागवत को सुना, तुमने 7 दिन उसको सुना था, अब समुद्र को मंथन करने से अमृत बाहर आ जाता है ना, इसी प्रकार भागवत नामक समुद्र का मंथन करके उसके सारांश को मुझे सुना दो, मुझे बता दो, ऐसे वो प्रार्थना करती है। इसलिए परीक्षित महाराजा भी कहते हैं, मैं मौन में रहना चाहता था और कृष्ण के ध्यान में निमग्न होना चाहता था, पर आप इतने मधुरता से मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कृष्ण के कृपा से और मेरे गुरुनाथ श्री शुकदेव के कृपा से इस सारांश को बताना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो हम सभी लोगों को प्रयाग तीर्थ ले जाते हैं। अब यहाँ सभी मुनिगण उपस्थित हुए हैं, सभी ऋषिगण उपस्थित हुए हैं, क्योंकि माघ मास में प्रयाग स्नान करना बहुत उचित माना जाता है, इसलिए सभी लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। तब नारद जी भी वहाँ आ जाते हैं। नारद जी को देखते ही सभी ब्राह्मणगण उनके नमस्कार करके बताते हैं कि वे ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनके ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, इसे वे सुनते हैं। पर उसी समय पर वहाँ का ब्राह्मण, वहाँ जो निवास करता है वो आ जाता है, परिवार सहित आ जाता है। वहाँ गोमय आदि द्वारा उस स्थान को शुद्ध करके एक स्वर्ण सिंहासन को उपस्थित वहाँ प्रतिष्ठा करके एक सुंदर सा मंडप को सजन करते हैं,
और उस पर शालग्राम मूर्ति का प्रतिष्ठा कर लेते हैं। उस शालग्राम को ही श्री कृष्ण समझते हैं और उसके पूजा करने लगते हैं। पूजा पाठ होने के बाद भगवान का प्रसाद को सभी ब्राह्मणों को भेंट दिया उन्होंने। उसके बाद दीन दरिद्र लोगों को भी दिया और वहाँ के पशु पक्षी जानवरों को भी दिया, और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया था परिवार सहित। इसको देखते ही नारद जी बहुत संतोष हुए थे, क्योंकि इसी ब्राह्मण पर भी भगवान की कृपा है, किसी अन्य ब्राह्मण पर नहीं, किसी अन्य लोक पर नहीं, ऐसे सोचते थे। इसीलिए उस ब्राह्मण के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हैं, क्योंकि प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान पर आपका जन्म हुआ है। आप धन संपत्ति होने पर भी बहुत नम्र से हैं, बहुत विनय के साथ हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार के सभी लोग एक साथ होकर आप सभी लोग दान धर्म में व्यस्त हैं, इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे वे कहते हैं। इसको तुरंत ही वह ब्राह्मण खंडन कर लेते हैं। इस पूरे ग्रंथ में नारद जी प्रत्येक भक्त के पास जाकर उनके महिमा का प्रशंसा करके उनको ही भगवान के कृपा का पात्र मानते हैं, पर तुरंत ही वो भक्त इसका खंडन कर लेते हैं। यही भक्त का गुण है, यही भक्त का लक्षण है। यदि प्रशंसा सुने तो उसके कारण घमंड और अहंकार भी बढ़ सकता है, इसीलिए भक्त लोग प्रशंसा को नहीं सुनते हैं और इसे भगवान की कृपा ही मानते हैं। इसी प्रकार ये ब्राह्मण भी, हे स्वामी, आप तो जानते हैं कि मैं सिर्फ अपने ब्राह्मण धर्म जो है उसी को निभा रहा हूँ, इसमें कोई विशेषता की बात ही नहीं है। वास्तव में भगवान के कृपा पात्र तो दक्षिण देश के राजा है, क्योंकि उनके राज्य में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, नए नए उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी परिवार सहित दान धर्म में व्यस्त है। मैं तो सिर्फ एक बार दान धर्म करता हूँ, पर वे तो हर एक दिन करते हैं, पूरे साल करते हैं, और उनके राज्य में किसी को भी दुख या पीड़ा नहीं है, क्योंकि राजा धार्मिक है। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा भी सुखी से ही होगे, वो सभी लोग बहुत आनंदित होगे, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत शांति से अपने जीवन जी रहे हैं। इसीलिए अब आप उनके साथ जाइए, उनके पास जाइए और उनके दर्शन ले लीजिए, ऐसे बताते हैं। ये भी बहुत संतुष्ट होकर उस दक्षिण देश के राजा के पास आ जाते हैं और उनको कहने लगते हैं कि आपकी लोक वात्सल्यता तो प्रशंसनीय है, आप धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति में सुशोभित हैं, इसीलिए आप ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। इसे सुनते ही वे भी खंडन करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेरे आयु तो सीमित है, मेरे धन भी सीमित है, मैं तो राजा होने के कारण राजसिक गुण जो है वो मुझ में बड़ा है, अधिक है, इसलिए मैं महान नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी विशेष गुण नहीं है। वास्तविक तौर पर हमें किसी की प्रशंसा करना है तो वो देवतागण ही है, क्योंकि उनके आयु बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, वो तो अमृतपान करते हैं, इसलिए जरा व्याधि दुख ये सब उनके लिए नहीं होगा। सभी मनुष्यगण उन्हीं के पूजा में व्यस्त हैं, उन्हीं के पूजा करते हैं, उनके शरीर भी तेजोमय है, और विशेष में देखें तो इन देवता गणों में भी इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? उनके पास जो ऐश्वर्य है वो अतुलनीय है। उनके पास तो उच्चैश्रवस नामक अश्व है, ऐरावत नामक हाथी, कामधेनु गाय, नंदन कानन कल्पवृक्ष, ये सब है, और उनके आयु तो देखें तो एक मनवंत्री की तुलना की गई है। इतना भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण उनके छोटे भाई होकर, वामन देव होकर उनके पास ही है, उनके पक्षी लेते हैं सदा सर्वत्र, इसीलिए वे ही सौभाग्यशाली है, मैं नहीं, ऐसे कह देते हैं। अब नारद जी निकलकर इंद्रलोक आ जाते हैं।
वहाँ वामन देव है, सभी देवता वामन देव की पूजा कर रहे हैं, बृहस्पति और अन्य ऋषिगण वेद उच्चारण कर रहे हैं, और सिद्धगण, विद्याधरगण, अप्सरसगण सभी लोग नृत्य गायन इत्यादि से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इसे देखते ही भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा देव के पक्षे रहेंगे और देवताओं को रक्षा करके ही रहेंगे। इसको सुनते बहुत आनंदित हो जाते हैं। वे अपने निवास स्थान चले जाते हैं। नारद जी इंद्र जी से आकर कहते हैं कि आपके सौभाग्य की तुलना कैसे की जा सकती है, आप देखिए आप ही के छोटे भाई हैं वामन जी, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान, इसलिए आप ही बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे सुनते इंद्र जी भी खंडन करने लगते हैं। वे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आप ही जानते हैं कि हम स्वर्गवासी दैत्यों से भयभीत होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, इतना तक कि हमें खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलता है जब दैत्यगण यहाँ है, अमृत भी हमें नहीं मिलता था, और यदि हमें राज्य चाहिए तो भगवान के पास जाकर हम प्रार्थना करें तो भी वो महाबली चक्रवर्ती जैसे लोग के पास जाते हैं, वंचित करके उनसे राज्य छीन लेते हैं, पर उनका हत्या नहीं हुआ है, उनका अंत नहीं आया है, इससे हम क्या पता चलते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान हमें सिर्फ लज्जा दे रहे हैं, हम स्वयं जाकर युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान जाकर युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि महाबली उनके प्रिय भक्त है, इसलिए राज्य को सिर्फ उसको छीन के हमें दिया है उन्होंने, ऐसे बता रहे थे। इतना ही नहीं, गोकुलवासी व्रजवासी मेरे लिए बहुत भेंट देते थे, अन्नदान करते थे, अब वो भी बंद हो गया गोवर्धन पूजा के कारण, और मेरे विशाल से सुंदर प्रिय खांडव वन को भी श्री कृष्ण ने जला दिया, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखें तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपने पुत्र ब्रह्मा जी से ही प्यार करते हैं, वे ही सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं, और उनके घर में सहस्र शीर्ष महापुरुष रहते हैं, सदैव निवास करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ही भगवान की कृपा के पात्र है, ऐसे कह देते। इसे सुनते नारद जी भी ब्रह्मलोक आ जाते हैं, सत्य लोक आ जाते हैं, तब वहां निरंतर चलने वाले यज्ञ के आविर्भाव को स्वीकार करने के लिए साक्षात सहस्र शीर्ष महापुरुष आविर्भाव हुए थे, अपने सहस्रों हाथों से उस प्रसाद को स्वीकार करके सभी को अभीष्ट फल प्रदान करके वहां से अपने स्थान चले गई। इसे देखकर नारद जी बहुत आनंदित होते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे कि आप ही प्रजापतियों के भी पति हैं, आप ही सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं, आप ही निरंतर ईश्वर और स्वयंभू है, इस ब्रह्मलोक के आगे कोई भी लोक ही नहीं है और सहस्र शीर्ष महापुरुष यही पर वास करते हैं, इसलिए आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे बताते हैं। इसको सुनते ही ब्रह्मा जी इसके खंडन करने लगते हैं। वे कहते हैं भगवान अपने भक्तों को ही प्यार करते हैं, मुझे नहीं, आप सृष्टि स्थिति और संहार के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो माया की काम है, मेरे काम नहीं। इतना ही नहीं, मेरे सर में बहुत सारे काम है, इसलिए मैं सदा व्याकुल और चिंतित हूं। भगवान यज्ञ भाग को स्वीकार कर रहे हैं, पर वे तो उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी नियम है उसी का पालन कर रहे हैं, यज्ञ के आविर्भाव को उस देवता को आकर स्वीकार करना होगा, यही तो भगवान भी कर रहे हैं। वास्तव में भगवान उनके प्रिय भक्तों को ही चाहते हैं, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मेरे मन में भक्ति ही नहीं है, मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे कोई अपराध न हो जाए, क्योंकि मैंने ही हिरण्यकशिपु रावण आदि दैत्यों को वर दिया था, मैंने जो अधिकार दिया था उसी के वजह से इंद्र वरुण देव यम देव कुबेर देव इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों पर अपराध किया था, दुष्कर्म किया था उन्होंने, मैंने भी
भगवान के माया को न समझकर उनके वन भोजन के समय पर उनके बिछड़ों और गोपालकों को अपहरण करके यहाँ आया था। इसीलिए मैं उनके कृपा का पात्र कभी भी नहीं बन सकता हूँ। वास्तविक तौर पर देखें तो भगवान शिव ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। वो हमेशा भगवान के नाम को लेते हैं, नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं, उनके सखा भी हैं, नाम में ही आसक्त है, भोग में उनका इच्छा ही नहीं है। मुझे ही देखिए, मैं तो भोग का अनुभव कर रहा हूँ, पर उन्हें देखिए, वे तो मृग चर्मधारी है, भस्म को लेपन करते हुए चल रहे हैं। इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इतना ही नहीं, वो तो मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। मुक्ति कैसे प्रदान करते हैं? इसके लिए आदिशंकर भगवत पाद ने उनके श्लोक में भी यह बताया है कि यथावर्णयत् कर्णमूलेन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काशं तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहं 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 भजेहं। यथावर्णयत् कर्णमूलेन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काशं तदेकं शिवजी काशी में रहते हैं। काशी विश्वनाथ के लिए एक विशेषता है। वहां के सभी प्राणी को वो अपने गोद में लेकर उनका जीव जब यह शरीर से निकलता है तब उस जीव के कानों में राम 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 ऐसे राम नाम का उच्चारण करते हैं साक्षात शिवजी। इसीलिए काशी पर यदि हमारे मृत्यु हुए तो हमें मुक्ति आ जाता है, मुक्ति मिल जाती है, ऐसे वाक्यों को हमने सुना है। इसी कारण से, क्योंकि शिव जी उनको अपने गोद में लेकर उनके कानों में राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो देखें तो शिव जी और कृष्ण जी में अंतर नहीं है। यदि हम कृष्ण से भी अपराध करें तो वो क्षमा कर लेंगे, हमें माफ़ कर देंगे, पर यदि शिव जी से नहीं तो उनके भक्त से हमने अपराध किया तो वो कभी भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण हमें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए शिव जी ही वास्तव में अति श्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए आप उनके जाकर देख लीजिए, ऐसे बताते हैं। नारद भी आ जाते हैं, शिव जी के वास स्थान पर आते हैं, तब वहाँ बहुत अति अद्भुत प्रकार से शिव जी का नर्तन हो रहा है। इसे एक गाना में बताते हैं। शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के, 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 ऋत विराजित चित्र सभा में, शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के, ऋत विराजित चित्र सभा में, शंकर श्री नाथ प्रभु के, ऋत विराजित चित्र सभा में, शंकर श्री नाथ प्रभु के, ऋत विराजित चित्र सभा में, शंकर श्री नाथ प्रभु के।
कुम्भ मन कमल विराजे, वो तो ताना तनाना। वो वास्तव में पद्मनाभ मन कमल विराजे, पद्मनाभ के मन में विराज करने वाले हैं, क्योंकि प्रियतम भक्त है। उन्हें जाकर नारद जी कह रहे थे कि हे शिव जी, आप ही भगवान के कृपा के पात्र है, आप ही परम भक्त है। इसे सुनते ही शिव जी अपने कान को बंद कर देते थे और कहने लगते हैं कि आप तो जानते हैं कि जो कोई भी भक्त है, जो कोई भी नाम संकीर्तन में लगा हुआ है, वही वास्तविक तौर में भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र है। मैं तो मुक्ति देता हूँ, परंतु भक्ति के लिए विरोधी ही मुक्ति है। आप प्रह्लाद को देख लीजिए, बार बार नरसिंह जी आकर मुक्ति दे दूंगी, आप ले लीजिए कह रहे थे, परंतु प्रह्लाद जी ने उसको स्वीकार नहीं किया था। इसलिए मुक्ति को एक भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए तो भगवान की भक्ति है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वैकुंठवासी जो है वे ही सर्वश्रेष्ठ है, उन पे ही भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्ण कृपा है, क्योंकि सारूप्य सामीप्य सालोक्य और सायुज्य, सारूप्य भगवान के जो रूप है उसी रूप में ही वैकुंठवासी भी है, सामीप्य उनके समीप ही है, सालोक्य उनके लोक में ही है और सायुज्य उनके साथ ही है, इसीलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे शिव जी बताते हैं। वहाँ से पार्वती देवी आ जाती है और वे कहने लगी, मेरे सखी महालक्ष्मी ही वैकुंठवासियों में भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी सारे वैकुंठवासी गण जो है वो भगवान के साथ अवतार नहीं ले सकते हैं, उनके साथ सदैव नहीं रह सकते हैं, पर मेरी लक्ष्मी जी को देख लीजिए, तद वक्षस्थल नित्य वास रसिकम, उनके वक्षस्थल में ही वास करती है और हमेशा विष्णु के पास ही है, श्री कृष्ण के पास ही है, अतः वे सर्वश्रेष्ठ प्रियतम भक्त हैं, भगवान की कृपा उन्हीं पर है, इसे बताती है। इसलिए नारद जी लक्ष्मी जी को देखने के लिए चल रहे थे, तब शिव जी उनके हाथ को पकड़कर ये कहने लगे कि मेरे पास एक गुप्त रहस्य है, ये रहस्य किसी को भी नहीं पता है, पर मैं आपको बता दूंगी। ये रहस्य क्या है कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त सिर्फ प्रह्लाद ही है, क्योंकि भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता स्वामनुव्रता, भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। साक्षात भगवान ही कहते हैं कि सभी भक्तों के लिए प्रह्लाद ही उदाहरण है, उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए, इसलिए अब प्रह्लाद के पास जाइए, ऐसे कह लेते हैं। नारद जी भी प्रह्लाद के पास आ जाते हैं, प्रह्लाद को कहते हैं कि इतने नम्र उम्र, इतने छोटे से उम्र में ही तुमको भक्ति मिल गया, और वो भी स्वच्छ भक्ति मिल गया, इसलिए तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु तुमसे जो कुछ भी किया था, तुम्हें समुद्र में डाला, पर्वत से नीचे डाल दिया, ये सब करने के बाद भी श्री कृष्ण आकर तुमको बचा रहे थे, इसीलिए तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। इतना ही नहीं, जब तुम नैमिषारण्य गए थे तब वहाँ श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ पराजित रहूँगा, ऐसे कह रहे थे, इसलिए तुम ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हो और भगवान की कृपा तो आप ही के पास है, ऐसे कहते हैं। इसको खंडन करते हुए प्रह्लाद जी कहने लगते हैं कि गुरुनाथ, मैंने जो कुछ भी भक्ति किया वो आप ही के कृपा के कारण से है, मैं तो क्या जानता हूँ, मैं तो एक बालक था, पर आपने जो उपदेश दिया उसी के कारण से मैं भक्ति कर रहा था। वास्तव में यह कृपा का पात्र नहीं है, जब भी एक भक्त सेवा में लग जाता है तभी उसको कृपा प्राप्त होता है, इसलिए हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे कह देते हैं। क्यों हनुमान सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि सौ योजना पार करके सीता देवी को जाकर संदेश देकर, वहां सभी राक्षसों को भयभीत करके, यहां आकर सीता का संदेश फिर से राम को देते हुए, उनका आलिंगन भी हनुमान जी को ही मिला था।
ऐसे सेवा तो मुझे कभी भी नहीं मिला है, इसीलिए हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ है, आप उनको जाकर देख लीजिए, ऐसे कह देते हैं। हनुमान जी के पास आ जाते हैं नारद जी, तब वहाँ बहुत आदर के साथ बहुत श्रद्धा पूर्वक गाना गा रहे हैं हनुमान जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मेरे प्रभु कृपालु है, दयालु है, ऐसे गाना गा रहे थे। इसको सुनते ही नारद जी कहने लगे, रामचंद्र की जय, जानकी कांत की जय, लक्ष्मणाग्रज की जय, ऐसे कहकर अंदर आने लगे और हनुमान जी को जाकर कहने लगे कि वे ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्त है। क्यों? क्योंकि वे दास भी थे, सखा, आसन, वाहन, व्यजन, ध्वज, बंदी, मंत्री, वैद्य, सेनापति और सर्वश्रेष्ठ सहायक है, इसलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, भगवान की कृपा तो उन्हीं पर है, ऐसे बता रहे थे। हनुमान जी रोने लगे थे क्योंकि इस प्रकार की सेवा तो पहले हुआ करता था पर अभी नहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने तो सुग्रीव के साथ जो कुछ भी वानर थे सभी लोगों को लेकर वो तो चल गए, वैकुंठ चल गए, अभी मुझे ये सेवा नहीं मिल रहा है, ऐसे कह कर के वे रोने लगे। इसलिए वो कहने लगे कि मुझ में तो कृपा ही नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, वास्तव में देखें तो भगवान की कृपा तो पांडवों पर ही है, क्योंकि विपत्तियों देखकर भी बाल्यकाल से ही पांडवों के धैर्य, धर्म, यश, ज्ञान, भक्ति और प्रेम आदि को भगवान ने प्रकट किया है, इस लोक को दिखलाया है। भगवान पांडवों के सारथी, पार्षद, सेवक, मंत्री, दूत और प्रहरी भी बने थे और कभी कभी उनके नमस्कार भी करते थे, इसलिए पांडवगण ही बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसे उन्होंने बताया था। इसलिए पांडव को देखने के लिए हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर में यह घटना है कि सभी लोग योजना कर रहे हैं कैसे हम कृष्ण को पुकारें, हम यदि विपत्ति में फंस गए तो कृष्ण आ जाएंगे, पर हमारे लिए तो अभी विपत्ति ही नहीं है, इसलिए हम याग यज्ञ आदि कर लेंगे। इसको देखकर हम भगवान श्री कृष्ण को पुकार सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ ले आ सकते हैं, ऐसे सोच रहे थे। उस समय पर नारद जी वहाँ जाकर उनके प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि पांडव ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात महापुरुष हैं, जो कुछ भी गुण बताया गया है, 64 गुण बताया गया है, वो सब श्री कृष्ण में ही है, नारायण में भी ही 60 गुण ही है, 60 गुण ही है उनमें, पर भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। वामन, नृसिंह और रामावतार भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं, ऐसे बता रहे थे। और वो कृष्ण आपके साथ ही थे, आपके लिए सब कुछ कर रहे थे, इसलिए आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ऐसे कहने लगे। इसको सुनते ही सभी लोग अपने अपने वादों को आगे रखते हुए इसका खंडन करने लगे और बताने लगे कि हम भगवान के कृपा पात्र नहीं हैं, वास्तव में यादव गण ही कृपा पात्र हैं, आप ही देख लीजिए, महाभारत युद्ध तक भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही थे, इसलिए हम सोच रहे थे कि यदि हम अपने बंधुओं को त्याग करें तो भी भगवान कृष्ण हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमारे साथ देंगे और हमारे साथ ही बसेंगे, पर ऐसे नहीं हुआ, वो तो द्वारका गए, यदुगणों के साथ है, यादवों के साथ है, इसीलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ है। हम तो अभी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान कब आए इसे हम तो नहीं जानते हैं, परंतु यादवगण के पास सदैव भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, इसलिए वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए यादवों के पास नारद आ जाते हैं और यादवगण भी उसको खंडन करते हुए कहते हैं कि हम भी सर्वश्रेष्ठ नहीं, हम में भी उद्धव ही सर्वश्रेष्ठ है। उद्धव के पास जाते हैं और उद्धव तो इसे मानते हैं कि
उनके ऊपर भगवान की कृपा है। ये तो परिस्फुट रूप में विद्यमान ही था। जब तक जब मैं ब्रजभूमि गया था तब तक भगवान की कृपा तो मेरे ऊपर ही था, ऐसे मैंने सोचा था और इसे मैं गर्वित भी हुआ था। पर अब तो मेरे गर्व चूर्ण चूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की तुलना ही नहीं की जा सकती है। ब्रजवासी ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उनकी कथा को भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं रोना शुरू कर दूंगा, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा, ऐसे कहने लगी। माता रोहिणी भी यही कहने लगी कि कृष्ण को इतना चाहते हैं वो लोग। कृष्ण के जन्म से लेकर कितने असुर आए थे, पूतना से लेकर केशी तक कितने असुर आए थे, कितने राक्षसगण आए थे, तब भी कृष्ण को उन्होंने नहीं छोड़ा था। वे कह सकते थे कि कृष्ण के आने से ही यह सब हुआ, इसलिए उसको दूर रखते हैं, ऐसे कह सकते थे, पर ऐसे उन्होंने नहीं कहा। वो तो कृष्ण को किसी भी तरह से सुरक्षित रखना चाहते थे, उनकी रक्षा करना चाहते थे। यही उन व्रजवासियों का भाव है, यही उनके भक्ति है। खास में भगवान कृष्ण ने तो बहुत सारी लीलाएं रची थी, उसमें तो रास लीला ही बहुत सर्वोत्तम है, अति श्रेष्ठ है। उस रास लीला में न तो सिर्फ श्री कृष्ण नाच रहे थे, न तो गोपिकाएं, पर पूरी जगत नाच रहे थे। इसको सूरदास अपने गाने में गाते हैं, गोपी गोपाल बाल, 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 रास मंडल माही, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, ताता थे गीता सुनंद निरत तक ही बाही, ताता थे गीता सुनंद निरत तक ही बाही, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, ताता थे गीता सुनंद निरत तक ही बाही, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, तात थे गीता सुनंद निरत तक ही बाही, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, रास मंडल माही, राधा मुख शरद चंद्र पूंछत जल शमानंद, राधा मुख शरद चंद्र पूंछत जल शमानंद, श्री व्रज चंद्र लटक लटक लटक, श्री व्रज चंद्र लटक लटक, गजत मुकुट जारी, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, चकित चकित यमुन नीर, चकित चकित यमुन नीर, चकित चकित यमुन नीर, खग मृग जग मन शरीर, घन नंदन के कुमार, बलि बलि दय सूरदास, रास सुखति हर, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, तात तीता सुरंग निरत तक ही बाही, गोपी गोपाल बाल, रास मंडल माही, रास मंडल माही, मनमाली राधा रमणा गिरिधारी गोविंदा, 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 नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा, नील मेघ सुंदरा नारायण गोविंदा,
Govinda, Manamani Radha Ramana, Giridhari Govinda, Manamani Radha Ramana. Bhakta Hridaya Mandara, Bhanu Koti Sundara, Bhakta Hridaya Mandara, Bhanu Koti Sundara, Nanda Nanda Govinda, Narayana Govinda. गोविंदा नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा ऐसा कह के वो सब रास लीला में भाग लेते थे। ये सब होने के बाद भी कृष्ण वहां से आ जाकर यहाँ द्वारका में रह रहे हैं। जब मैं द्वारका आने वाली थी तब यशोदा माँ इतनी रोई थी कि एक पत्थर भी पिघल जाता था। इतने सब होने के बाद भी कृष्ण वहां नहीं जा रहे, इसलिए कृष्ण को व्रजजनों के ऊपर कुछ भी नहीं है, उनके जो प्रिय है वो व्रजजनों के लिए नहीं है, ऐसे बता रही थी रोहिणी माता। इसको सुनते ही बलराम भी आ जाते हैं और वे भी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, मैंने भी वहाँ 2 मास के लिए रुका था, कृष्ण नहीं आए थे, इसलिए कृष्ण व्रजजनों को नहीं चाहते हैं, उनके प्रिय व्रजजनों पर नहीं है, ऐसे बताने लगे। पर इसको खंडित करते हुए रुक्मिणी और अन्य महिषियां आकर कहने लगे कि स्वप्न में भी कृष्ण व्रजजनों को ही पुकारते हैं, उन गोप गोपियों को ही पुकारते हैं, और कभी कभी मैया मुझे माखन दो ऐसे कहते हैं, इसलिए आप उनके भाव को नहीं समझते हैं, ऐसे कह के सभी बात कर रहे थे। इसमें ही भगवान अंतर थे, अपने कमरे में थे, अपने कक्षा में थे, वो तो उदास थे इसीलिए सभा में भी नहीं आ पाए। वे बाहर आकर बलराम को गले लगाकर रोने लगे कि हाँ, मैं तो व्रजजनों को जाकर नहीं देखा, मुझसे उनका मिला, मैं उनको जाकर नहीं मिल पाया, मैं क्या करूँ अभी, मैं क्या करके इसे कम कर सकता हूँ, मेरे मन में जो पीड़ा हो रहा है उसे कैसे कम कर सकता हूँ, ऐसे बोल रहे थे। और उद्धव से पूछने लगे कि मैं क्या दूँ उनके लिए, वो जो कुछ भी चाहते हैं वो तुम जानते हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ, मैं उसे दे लूँगी, उनके लिए भेंट लूँगी, भेंट के तरह दे दूँगी, ऐसे बता रहे थे। इसको सुनते ही उद्धव भी रोने लगे, क्योंकि इन वस्तुओं के लिए ही व्रजजन प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या, वे तो आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तो वास्तव में आप ही को चाहते हैं, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। इसे सुनते ही कृष्ण भी रोने लगे और बलराम भी रोने लगे, इतने रोए कि वहाँ पर भी मूर्छित हो गए। इसे सभी लोग देखते हैं, ब्रह्मा जी भी वहाँ आ जाते हैं और गरुड़ को कहते हैं, हे गरुड़, रैवत पर्वत में एक वृंदावन मैंने रचना की है, वहाँ जाकर इन दोनों को डाल दो, वहाँ जाने के बाद उनके मन में जो दुख है वो कम हो जाएगा, ऐसे कहते ही बलराम और श्री कृष्ण को वहाँ जाकर बिठाते हैं। और सभी महर्षियों को रोहिणी और देवकी को कहते हैं कि आप चुपचाप वहाँ जाकर जो कुछ भी हो रहा है उसको देख लीजिए, आपको कुछ भी बात नहीं करना है, ऐसे कह देते हैं। अब कृष्ण सो रहे थे, बलराम उठ गए और उनको ये चाल पता चल गया, इसीलिए कृष्ण के हाथ में बांसुरी दे देते हैं और मोर मुकुट भी धारण करके द्वारकावासी से उनको व्रजवासी बना दिया बलराम ने। और जब कृष्ण उठे थे तब वो सोच रहे थे कि सब कुछ एक स्वप्न था, वहां पर व्रजवासियों का प्रतिमा बनाई गई थी, मूर्ति बनाई गई थी, उसको देखते ही
वो अपने माँ समझकर, माता माता मैंने एक स्वप्न देखा था, मैं द्वारकाधीश बन गया था और वहाँ सभी का राज्य कर रहा था, ऐसे सब बोल रहे थे, पर यशोदा माता कुछ भी नहीं बोल रही थी, इसलिए वे उदास हुए। उनको जाकर छूने लगा था, तब रोहिणी माता का स्वर आया, हे कृष्ण, तुम बहुत देर से सो रहा था, इसलिए यशोदा माँ तुमसे उदास है, तुमसे क्रोधित है, इसलिए तुम जाकर गाय को चरा कर आ जाओ, मैं भोजन भेज लूँगी, ऐसे कहती है। इसको सुनते ही बलराम और श्री कृष्ण निकल जाते हैं। जाने के रास्ते में राधा जी को देखते हैं और राधा के पास जाकर, मैं तुमसे ही मिलने वाला था, मुझे एक अनोखा स्वप्न आया था, मैं द्वारकाधीश बन कर बहुत सारी महिलाओं के साथ मेरे विवाह होता है और उनके साथ मेरे पुत्र पौत्र आदि भी आ जाते हैं, तुमसे बहुत दूर गया उस स्वप्न में, इसलिए वो अत्यंत दुखदायक था, पर अभी वो तो स्वप्न है, इसलिए मैं बहुत सुख हूँ, तुम्ही के साथ मैं रहना चाहता हूँ, तुमके साथ ही मैं रासलीलाओं का रचना करना चाहता हूँ, ऐसे वो बोल रहे थे। पर राधा रानी कुछ भी बात नहीं कर रही थी, पर उनके जाने का समय आ गया था, इसलिए उनको आलिंगन करके चुंबन देके वे चले गए। इन सभी को देखकर वहां के रोहिणी, देवकी और सभी महिषियां, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषियां भी बहुत दुखित हुए थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनके ऊपर ही भगवान की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं के चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो वास्तव में ब्रजवासियों को ही चाहते हैं, ये तो सुस्पष्ट हो गया अभी। और कृष्ण चल रहे थे, वहाँ समुद्र था, उसको यमुना समझकर उसमें कूद गए। वहाँ उनको द्वारका के महल दिखाई देता है और वे भ्रमित थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, अब मैं ब्रजवासी हूँ या द्वारकवासी हूँ, मुझे पता भी नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। तब उनके भ्रम को दूर करने के लिए बलराम जी वहाँ आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे वैकुंठवासी, हे वैकुंठ ईश्वर, तुमने तो देवताओं के प्रार्थना के लिए अवतार किया था, अभी धर्म की संस्थापना करने हैं, हमको करना है, इसीलिए आप आ जाइए, हमें तो बहुत सारे काम करना है, ऐसे कहकर गरुड़ में बलराम और श्री कृष्ण बैठकर महल आ जाते हैं और सभी रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषि और उद्धव भी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण गुप्त रहस्य को बताते हैं। कौन सा रहस्य? कृष्ण ब्रजवासियों के पास क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कि ब्रजवासी उनके प्रियतम है, भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ब्रज जन भी कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास जाकर उनके साथ रहने के लिए शुरू कर देंगे तो जब वे निकल जाते हैं तब उनके मन में पीड़ा और भी दुगुना हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, इसीलिए ब्रजवासियों के पास कृष्ण नहीं जाते थे, उनके पास नहीं गए थे। और कृष्ण एक और रहस्य भी बताते हैं कि गोपियों को छोड़कर जब वे द्वारक में आए थे, मथुरा में आए थे, वो विवाह ही नहीं करना चाहते थे, परंतु रुक्मिणी देवी ने एक चिट्ठी को भेजा था और इसलिए वो जाकर रुक्मिणी देवी से शादी कर ली उन्होंने, और सभी रानियां जो है वो सब कृष्ण से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया, परंतु वास्तव में देखे तो कृष्ण विवाह ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ गोपियाँ ही थे और विशेष रूप से राधा देवी ही थी, इसीलिए वो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। इसको भी सभी रानियों को बता दिया उन्होंने, इसलिए वो सभी रानी लोग लज्जा होकर नमस्कार करके क्षमा मांग रहे थे। और उद्धव भी इस वातावरण को परिवर्तन करने के लिए नारद जी को अंदर बुलाते हैं और कृष्ण कहने लगते हैं कि हे नारद जी, आप ही के द्वारा प्रियजनों का स्मरण मुझे हुआ था, मेरे अत्यंत प्रियतम भक्त व्रजजन ही है, व्रजलोक के वासी ही है, इसलिए उनका स्मरण मुझे मिला था, आप ही के वजह से आप जो कुछ भी चाहे पूछ सकते हैं, ऐसे वर देते हैं। नारद जी पूछते हैं कि मुझे दो वर चाहिए, पहला वर तो व्रजजनों के कथा जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो भी स्मरण कर रहे हैं, उनके हृदय में आप तो निरंतर वास करना है,
आप वहीं पर रहना है और उनके भक्ति को और भी बढ़ाना चाहिए। यही तो मेरे पहला प्रार्थना है, विनती है आपसे। और दूसरा प्रार्थना यह है कि मैं सदैव आपका नाम ही लूँगा, सदैव आपका नाम संकीर्तन में ही लग जाऊँगा और इसे सभी जगह पर जाकर प्रसिद्ध कर लूँगा, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसे कहकर उस उन प्रार्थनाओं को लेकर वो प्रयाग फिर से आ जाते हैं और जो कुछ भी हुआ उन ब्राह्मणों को बता देते हैं और इससे परीक्षित महाराजा भी अपनी कथा को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उत्तरा माँ, आप भी यदि भगवान के कृपा को चाहते हैं, भगवान के आशीर्वाद को चाहते हैं तो निरंतर उनके नाम संकीर्तन में लग जाइए, उनके नामों को सदा उच्चारण करके रहिए, इससे ही आप भगवान के कृपा के पात्र बन सकते हैं। ऐसे परीक्षित महाराज भी उत्तरा देवी को कहते हैं, इसीलिए हम भी नाम संकीर्तन में लग जाते हैं और उनके नामों का स्मरण और उच्चारण हमेशा करते रहेंगे। ब्रूहि मुकुंदेति, ब्रूहि मुकुंदेति, रसने ब्रूहि मुकुंदेति, हे रसने ब्रूहि मुकुंदेति, हे रसने ब्रूहि मुकुंदेति, रसने ब्रूहि मुकुंदेति, हे रसने ब्रूहि मुकुंदेति, रसने ब्रूहि मुकुंदेति। केशव माधव गोविंदेति, केशव माधव गोविंदेति, केशव माधव गोविंदेति, कृष्णानंद सदानंदेति, कृष्णानंद सदानंदेति, कृष्णानंद सदानंदेति, ब्रूहि मुकुंदेति, हे रसने ब्रूहि मुकुंदेति, रसने ब्रूहि मुकुंदेति। सदाशिव ब्रह्मेंद्राल कहते हैं कि ब्रूहि मुकुंदा इति रसने ब्रूहि मुकुंदा, केशव माधव गोविंदा इति नामों को लेते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कि रसने, हे मुंह, तुम सदा उनके नामों को लेते रहो, उनके नामों का गायन करते रहो, ऐसे वे बताते हैं। इसी प्रकार हम भी हमारे मुंह को ऐसे कहते हैं और उनके गायन में लग जाते हैं और उन्हीं के नाम संकीर्तन में लगकर उनके कृपा पात्र बनने के लिए प्रयत्न कर लेते हैं। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा, धीर धीर शूर पराक्रम आंजनेय स्वामी की जय। राधे कृष्ण। इतनी छोटी आयु में संगीत, अध्यात्म और रसपूर्ण वक्तृत्व आत्मसात करना अपने आप में एक आश्चर्य है। वात्सल्य जी की सांगीतिक और माधुर्य भरी हरि कथा सुनकर शायद नास्तिक भी आस्तिक हो जाए। इनका भाव विभोर अनुभव देने के लिए हम वात्सल्य जी का आभारी हैं।